हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी, वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, नेत्र हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर दोस्तों आज सुबह ही मैंने आप सभी को बता दिया था कि इलाहाबाद प्रयागराज में दोस्तों आज ABP न्यूज़ का एक डिबेट होने वाली है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों नेत्र हजार शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी छात्र हैं दोस्तों वहाँ पहुँच करके नेत्र हजार शिक्षक भर्ती मुद्दे को आप लोग उठाएँ और हमारे साथ इस आंदोलन में दोस्तों साथ आइए। कहीं ना कहीं दोस्तों ये आंदोलन इस चीज़ को जो है गवाह बनाएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो मामला है पूरे तरीके से न्यायालय में अटका हुआ है। 4,10,000 छात्रों के भविष्य का जो है अब सवाल है, तो अब इस पे जो हम चुप नहीं बैठेंगे और हमें दोस्तों आगे आना पड़ेगा। आगे आने के लिए दोस्तों छात्रों ने एक नई पहल शुरू की है और नई पहल है दोस्तों नेशनल मीडिया। जी हाँ दोस्तों, नेशनल मीडिया में इस बात को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि न्यायालय में दोस्तों अभी छुट्टियाँ लगी हुई हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो छात्रों का काम है, सराहनीय काम किया जा रहा है, उसकी वीडियो भी मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आज छात्रों ने दोस्तों वहां पर जाकर क्या कहा 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, जिससे कि आप सभी को पता चलेगा, आप सभी को इस बात से दोस्तों खुशी होगी कि आप लोगों के लिए दोस्तों जो है छात्र संगठन आगे आ रहे हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि दोस्तों अधर में लटकी हुई है उसको संपन्न कराने को लेकर गुहार लगाई जा रही है। तो दोस्तों मैं और पूरी की पूरी टीम दोस्तों जुड़ी हुई है इस चीज़ को लेकर कि जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो न्यायालय में अटकी हुई है जल्द से जल्दी दोस्तों संपन्न कराई जाए। जजमेंट कब आएगा, ऑर्डर कब रिलीज होगा दोस्तों, इस बात को लेकर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बयान से बस इतना था, जैसा कि आप सभी को पता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों ABP न्यूज़ पर जाकर के इस बात को कहा था कि जो हमारी सरकार की भर्तियाँ कोई भी न्यायालय में नहीं अटकी है, उसी का जवाब देने के दोस्तों आज सुबह ABP न्यूज़ के जो डिबेट होने वाली थी लाइव डिबेट, उसके अंदर छात्रों ने 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है उसको काफ़ी अच्छे तरीके डिस्क्राइब करने की कोशिश की, जिससे कि अगली बार योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पहुँचें तो कहीं ना कहीं इस बात का उनसे जवाब पूछा जाए कि आपने कहा था कि न्यायालय में कोई भर्ती नहीं है, लेकिन 69,568,500 अभी भी न्यायालय के अधीन चल रही हैं, तो उस पर आपका क्या जवाब है। तो अगली न्यूज़ दोस्तों आप लोगों को सीधी वहीं से देखने को मिलेगी जो प्रयागराज में आज दोस्तों डिबेट शो हुआ है। आई होप कि कुछ लोगों ने अगर TV पर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस पहल में दोस्तों आप लोग भी आ गए हैं, ऐसी मैं उम्मीद है आप लोगों से भी कर रहा हूँ। सो दोस्तों अगली वीडियो सीधी आप लोगों को वहीं से, तो वीडियो आप लोगों के सामने है। करवा के अगर इनको शामिल करवा देना था तो हमको और आगे की बैचों को